हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार पाथ टू सक्सेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम जून 2020 के पेपर में भी पूछा गया था और इसके पहले भी कई बार यूजीसी नेट ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं तो पैराडाइम का मतलब क्या होता है पैराडाइम का मतलब होता है थ्योरी या परस्पेक्टिव ठीक है समझ कोई नया बहुत मीनिंग नहीं होता थ्योरी और पर्सपेक्टिव को ही हम लोग क्या कहते हैं पैराडाइम कहते हैं तो थॉमस कान जो हैं इन्होंने बहुत इलेबोरेटली कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम को डिस्कस किया है तो उन्हीं की थ्योरी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे थॉमस कान इन हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन सो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इज द बुक रिटन बाय थॉमस कान and it is very important from the perspective of UGC NET sociology. So remember it. He first suggested that development within a discipline, especially sciences, is not gradual process, but in fact takes place quite suddenly. So Thomas Kahn कहते हैं कि साइंस में या सोशल साइंस में जो डिसिप्लिन होता है ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट नहीं होता है इसका बल्कि सडन डेवलपमेंट हो जाता है कन कॉल दी सडन चेंजेस एज पैराडाइम शिफ्ट तो इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया है और जो ये चेंजेस होते हैं एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी में जो डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होता है साइंस में ये कैसा होता है ये कहते हैं सडन होता है इसी सडन शिफ्ट को ये क्या कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं समझ गए अकॉर्डिंग टू कहन साइंस एंड बाय एक्सटेंशन सोशल साइंस Undergoes its process in three phases, which are discernible. ठीक है ये कहते हैं कि किसी भी साइंटिफिक जो सब्जेक्ट होता है साइंस होता है या सोशल साइंस होता है इसका डेवलपमेंट तीन फेजेज में होता है और जो कि जरूरी है मतलब किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट या साइंस या सोशल साइंस का जब डेवलपमेंट होगा डिसिप्लिन का तो वो ये तीन फेजेस फॉलो करेगा ही करेगा कौन से तीन प्रोसेस हैं द प्री साइंटिफिक फेज इन द इनिशियल फेज थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन आर इनकंप्लीट एंड कॉम्प्लीटिंग विदर तो आप सभी जानते हैं कि जो थ्योरी के डेवलपमेंट का इनिशियल फेज होता है वह कैसा होता है इनकम्प्लीट होता है जो थ्योरी का एक्सप्लेनेशन होता है वह इनकंप्लीट होता है और धीरे धीरे हम लोग रिसर्च करते जाते हैं फिर उसके बाद कंप्लीट सेकेंड फेज ये बताते हैं नॉर्मल साइंस एट सम वन ऑफ द थ्योरीज इस्टेब्लिशेज इट सेल्फ ब्रिंगिंग इन द फेज ऑफ नॉर्मल साइंस ये कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन में जहाँ पे कि एक थ्योरी जो होती है वो स्टेब्लिश हो जाती है और नॉर्मल साइंस का पार्ट बन जाती है इन दिस फेज अ सिंगल थ्योरी और अ सेट ऑफ थ्योरी इमर्ज डोमिनेंट विच कन कॉल्स अ पैराडाइम तो यह कहते हैं कि इसी फेज़ में क्या होता है एक सिंगल थ्योरी जो है वो डोमिनेंट हो जाती है और वो क्या कहलाने लग जाती है पैराडाइम कहलाने लग जाती है ठीक है याद रखना बहुत सारी थ्योरीज निकल करके बाहर आती हैं किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड फिर उसके बाद क्या होता है एक थ्योरी जो होती है वो नॉर्मल साइंस बन जाती है फिर उसके बाद क्या होता है वो नॉर्मल साइंस जो जो थ्योरी नॉर्मल साइंस बन जाती है वो स्टेब्लिश हो जाती है और पैराडाइम बन जाता है इसके बाद आता है कन कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट वैन देअर इज अ पैराडाइम शिफ्ट द सिचुएशन इज वन वे आर द प्रीवियस थ्योरीज हैव टू हैूवड टू बी रिडेंडेंट ये कहते हैं जब पैराडाइम शिफ्ट होता है यानी जो एक थ्योरी होती है वो पैराडाइम बन गई फिर इसके बाद क्या होगा एक सडन चेंज आ जाएगा उसके डेवलपमेंट में और क्या होगा जो प्रीवियस जितनी भी थ्योरी होगी वो रिडेंडेंट हो जाएगी उसको रिजेक्ट कर देंगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साइंस का फॉर कंड दिस इज अचुरल प्रोसेस एंड इट रिपीट्स इट सेल्फ ओवर टाइम एज द न्यू एंड इस्टेब्लिश थ्योरीज दैम सेल्फ बिकम इनकम्प्लीट एज नॉलेज एक्सपेंड ये कहते हैं जैसे जैसे हमारे नॉलेज का एक्सपेंशन होता है जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है तो जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं वो रिडेंटेंट होती जाती हैं और उसमें हमारी नई नॉलेज जुड़ जाती है नए रिसर्च हो जाते हैं और एक नई थ्योरी बन जाती है उसी को ये क्या कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट और ये प्रोसेस जो है ना रिपीट होता रहता है देखो जैसे एक थ्योरी बन गई पैराडाइम ठीक है फिर उसके वो क्या कहला जब नया नॉलेज डेवलप हो जाता है तो वो इनकम्प्लीट हो जाती है फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं तो फिर क्या बन जाता है एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है और दूसरी थ्योरी डेवलप हो जाती है ठीक है इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये साइकिल है कन कहते हैं चलता रहता है इन्होंने साइंस से एक एग्जाम्पल दे करके समझाया कि कैसे ये साइकिल होता है और जब हम लोगों के नॉलेज का एक्सपेंशन होता है तो जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं तो इन्होंने कॉपरनिकस का एग्जाम्पल दिया है कॉपरनिकस हु पॉइंटेड आउट दैट इट वॉज द अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन रेदर देन द सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एज वॉज टॉलमी टॉलमीज पोजिशन तो टॉलमी ने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी इन्होंने कहा था कि जो सन होता है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्व होता है यानी पृथ्वी नहीं घूमती सन जो है वो पृथ्वी के आगे पीछे घूमता है इसके बाद आए कॉपर निकस कॉपरनिकस ने साइंटिफिक बेसिस देते हुए साइंटिफिकली इसको सपोर्ट करते हुए इन्होंने एक नई थ्योरी रखी यानी कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ कैसे कि पहले तो ये बिलीव करते थे कि जो सन है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है लेकिन कॉपरनिकस ने अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट किया उनका नॉलेज एक्सपेंशन हुआ ठीक है और उन्होंने इस नॉलेज के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि भाई जो अर्थ है ना वो सन के इर्द गिर्द घूमती है रिवॉल्व करती है बल्कि सन अर्थ के इर्द गिर्द नहीं घूमता है ठीक है समझ गए तो समझ में आ गया आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम बाय थॉमस कंट तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए या सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है सेवन एट थ्री एट फाइव वन सेवन एट एट फोर और हाँ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना होगा क्या नंबर पे सेवन एट थ्री एट फाइव वन सेवन एट एट फोर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट